शांति। आज की तारीख है 13/10/15 और आज बहुत ही पावन पर्व की शुरुआत होने जा रही है और वो पावन पर्व है नवरात्रि। ज्योतिर्बिंदु कल्याणकारी शिव पिता की जो शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के आधार पर वह सर्वशक्तिमान कहलाते हैं, तो उन सर्वशक्तियों का देवियों के स्वरूप में गायन और पूजन होता है और प्रत्येक शक्ति के ऊपर एक अलग अलग विशेष गुण, कर्म, कर्तव्य या शक्ति को लेकर के नाम धरे गए हैं और ये शक्तियां अवतरित हुई हैं और अवतरित होकर के उन्होंने इस विश्व कल्याण के लिए जो भी ऐसे आसुरी तत्व थे उनका उन्होंने नाश किया और जो प्रभु के भक्त या शक्तियों के अर्थात देवियों के भक्त थे उन भक्तों की उन्होंने रक्षा की। तो ये नवरात्रि नव चेतना का त्योहार है। ये नवरात्रि सिद्धियों को प्राप्त करने का त्योहार है। ये नवरात्रि सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का त्योहार है। ये विविध प्रकार से विविध प्राप्तियों को प्राप्त करने का त्योहार है और साथ साथ विधि पूर्वक इस त्योहार को जो मनाए उनको सिद्धियां प्राप्त हो, ऐसे सिद्धियों को भी प्राप्त करने का त्योहार है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यदि ऐसा श्रेष्ठ बनना है इन देवी देवताओं जैसा, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है आज का, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्व गुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। धारणा के लिए मीठे मीठे बाप दादा के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है, बिजी रहना है। नंबर दो, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। ये अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया। वरदान है, साधारण कर्म करते भी ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले डबल लाइट भव
जो डबल लाइट होंगे और सर्वगुण संपन्न होंगे वो कैसे होंगे, तो ये हम देख रहे हैं कि नवरात्रि में यह जो शिव शक्तियों के साक्षात्कार होते हैं तो हम भी अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बना पाएंगे। अब बाप कहते हैं, जैसे बाप साधारण तन लेते हैं, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही चलते हैं, तो कर्म भले साधारण है लेकिन स्थिति ऊंची रहती है। ऐसे आप बच्चों की भी स्थिति सदा ऊंची हो, डबल लाइट बन ऊंची स्थिति में स्थित हो। कोई भी साधारण कर्म करो, सदैव यह स्मृति में रहे कि अवतरित होकर अवतार बन करके श्रेष्ठ कर्म करने के लिए हम आए हैं। तो साधारण कर्म अलौकिक कर्म में बदल जाएंगे। स्लोगन है आज का, आत्मिक दृष्टि वृत्ति का अभ्यास करने वाले ही पवित्रता को सहज धारण कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। और आज सभी को विशेष नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयां और सर्वप्रति हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति।